हेलो अनिल, अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा चिल्लाना बंद करो, मुझे हॉस्पिटल से निकलने में देर हो गई थी। नहीं नहीं मैं निकल गई हूँ, रास्ते में हूँ। यहाँ बहुत बारिश है अनिल। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ हो? फार्म हाउस पर। वहाँ क्या कर रहे हो अनिल? अच्छा जल्दी घर पहुंचो, मैं भी घर पहुंच रही हूँ। ओके लव यू टू, बाय। आओ यहाँ क्यों लिटाया गया है? तुम लोग सब मेरे सर पे क्यों खड़े हो? पेशेंट कहाँ है? वरुण पेशेंट कहाँ है? अंजलि आज तुम ही पेशेंट हो और तुम्हें इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। मैं पेशेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर अंजलि। आप लोग बाहर जाइए। मैं बताता हूं तुम्हें, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारे और अनिल के बीच में क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? वैसे अनिल कहाँ है? उसे क्यों नहीं बुलाया मुझसे मिलने? वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों? वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो अंजलि। क्यों किया तुमने अनिल के साथ ऐसा? क्या किया है मैंने? करुण साफ साफ बताओ बात क्या है? अनिल मेरा पति मुझसे इस हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आएगा? प्लीज टेल मी What happened to Anil? Anil अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। Anil कैसे मर सकता? नहीं Anil नहीं मर सकता। वो मर चुका है, तुमने उसे मारा है। मैंने? Are you in your senses, Varun? पति को क्यों मारूंगी? डैम इट, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम जानते हो मैं अनिल को नहीं मार सकती। मैं जानता हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुमने उसे मारा है। 3 दिन से तुम यहां कोमा में पड़ी हो। मुझे यहाँ कौन लाया? पुलिस। पुलिस? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं अंजलि? तो याद करने की कोशिश करो अंजलि, ट्राई टू रिमेम्बर एवरीथिंग। ये सब 3 दिन पहले हुआ। 3 दिन पहले तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी? लिसन, लिसन, आर यू ओके? एक्सक्यूज मी। देखो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। देखो मुझसे डरो मत, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम अ डॉक्टर। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हेलो, देखो अपना चेहरा मत छुपाओ।
तुम्हारा ख्याल किसने किया? हम ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे कुछ याद नहीं। उस लड़की का क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? अंजलि, अंजलि प्लीज होश में आओ। डॉक्टर गिरीश का है, मुझे अभी फौरन उनसे मिलना है। तुम अभी किसी से नहीं मिल सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है, प्लीज। वरुण, 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 तुम जानते हो मैं किसी का खून नहीं कर सकती। वरुण, वरुण, प्लीज, काम डाउन अंजलि, वरना मुझे तुम्हें ट्रैंकुलाइजर देना होगा। मैं अभी आया। वरुण, वरुण, वरुण! मैं अनिल को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है सर। अंजलि को कुछ भी याद नहीं है, वो सिर्फ चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि उसने अनिल को नहीं मारा। मुझे तो लगता है कि सर हमें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी होगी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि अंजलि खुद एक बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट है। सच पूछो तो मेरे इतने सालों के करियर में मैंने अंजलि से बेहतर साइकियाट्रिस्ट नहीं देखा। She's the best we've ever had. Now where do I get the best to treat my best? मैंने तो अनिल को नहीं मारा है, फिर सब मुझे कातिल क्यों समझते हैं? कौन है जिसने अनिल का खून किया है और मुझे फंसाया है? आखिर कौन है वो? कैसे पता लगेगा मुझे उसका? ये कौन लिख गया? नहीं नहीं अंजलि, डर मत, कोई नहीं है यहाँ, वो सिर्फ तेरा वहम था। क्या हुआ मैडम, आप चीखी क्यों? तुमने मुझे डरा दिया। I'm sorry मैडम, मैं तो आपके लिए खाना लाई थी। लीजिए।
अरुण जब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे कहने से क्या होता अंजलि, नर्स वहीं पर थी, उसने अपनी आंखों से देखा कि वहां कोई लड़की नहीं थी, तो मैं खुद ही अपने आप को जख्मी किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी, क्यों करूंगी मैं ऐसा? वो लड़की थी, वही थी। अगर वो वही थी तो नर्स या डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाई दी? शायद सिर्फ मैं उसे देख सकती हूँ, शायद वो सिर्फ मुझे दिखाई देना चाहती हूँ। तो तुम कहना चाहती हो कि वो कोई भूत भूत या आत्मा थी? कम ऑन अंजलि, वो कोई भूत प्रेत या आत्मा बात्मा जैसी चीज होती नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मैं। वरुण, मुझे गिरीश से मिलना। इस वक्त तुम्हें किसी और से मिलना है। किससे? इंस्पेक्टर रणधीर, ही इज हैंडलिंग द केस। रणधीर? वो तो मेरा और अनिल का अच्छा दोस्त है, वो मुझे जरूर समझेगा। या हेलो, हाँ यस कमिंग। क्यों किया तुमने ऐसा अंजलि? अनिल कितना चाहता था तुम्हें, कितना प्यार करता था तुमसे, फिर कौन सी गलती की सजा दी है तुमने उसे? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। मुझे बोलने दोगे प्लीज? मैंने अनिल को नहीं मारा, मैं तो उसे प्यार करती थी। फिर क्यों मारा तुमने अनिल को? भी इतनी बेरहमी से कि कोई सिर फिरा भी अपने शिकार को नहीं मारता। यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर? ये देखो, देखो ऐसे, और से देखो, सब तुम्हारा किया जा रहा है। No, I have not done this. ये खून मैंने नहीं किया है। कौन हो सकता है इतना खतरनाक? तुम, हाँ अंजलि तुम, और मैं तुम्हारी एक काली सूरत दुनिया के सामने ला कर रहूंगा, ये साबित करके रहूंगा कि ये चोट, ये जख्म सब दिखा हुआ है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? क्या बात है रणदीप? अंजलि क्या हुआ? क्या हुआ? जो कुछ किया इसी ने किया, इसी से पूछो इसने क्या किया। कुछ नहीं किया मैंने। देखो रणदीप, इस हालत में अंजलि से कुछ भी कहना या पूछना बेकार है, तुम जा सकते हो प्लीज। क्या है? क्या ये देखो, और यहां दीवार पर भी लिखा है रिवेंज यानी बदला, और इसके हाथ पर भी लिखा है रिवेंज बदला। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें इस बात का कि दोनों काम अंजलि ने किए? इसी ने मेरे दोस्त अनिल को मारा है। नहीं मारा है मैंने उसे। अब मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा, तुम बच नहीं सकती अंजलि। एक मिनट प्लीज, शी इज नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, यू विल लीव। आप जा सकते हैं। सुनो मेरी बात, आप जा सकते हैं प्लीज। सर ठीक है, एक बात याद रखना, अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए। डॉक्टर गिरीश, आप भी, आप तो मेरा यकीन कीजिए, आपने तो मुझे और अनिल को कितनी बार साथ में देखा है, क्या आपको कभी भी ऐसा लगा कि Thank you.
ये कौन है? क्यों, क्या हुआ? अरुण, ये वही लड़की है जो जो उस रात मुझे मिली थी। सर, सर ये वही लड़की है जिसने मुझ पर हमला किया। अंजलि प्लीज, इट्स इम्पॉसिबल, ये वो लड़की हो ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? सर सर मैं बोल रही हूँ ये वही लड़की है। इसलिए कि ये मेरी बेटी है और ये 5 साल पहले मर चुकी है। क्या? हाँ अंजलि, आज से 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में नंदिनी हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। Stop! रास्ता बंद करो, बंद करो रास्ता। क्या हुआ? क्या हुआ अंजलि? तुम्हें इसकी हंसी सुनाई नहीं देगी क्या? सर आपको वो दिखाई नहीं देगी क्या? बंद करो, बंद करो रास्ता, बंद करो रास्ता, बंद करो रास्ता। स्वीटहार्ट, वेलकम माय डार्लिंग। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कोई खास वजह? यू माय जान, यू, यू आर द रीजन टू कीप सेलिब्रेटिंग फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। और तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। कौन है यार? देखो देखो, जो भी है सामने आओ। मैं कहती हूं सामने आओ। जरूर जरूर वही होगी। देखो, अगर अगर नंदिनी की आत्मा यहां है तो वो दरवाजा खोल दो। Thank you.
ये लड़की जरूर मुझे कुछ बताना चाहती है, मगर क्या? Welcome, my darling. There's a surprise for you. Koi khas budget? You, my Jaan. You. You are the reason to keep celebrating forever. And ever. And ever. Aur tumhare liye ek chhota sa tohfa hai. दवाइयाँ अनिल ने मंगाई कहाँ? रॉयल फार्म्स?
वुडहाउस स्ट्रीट। तो बेहोश हो गई। वरुण तुम फौरन से हॉस्पिटल लेके जाओ। अंजलि अंजलि प्लीज रिलैक्स। अंजलि सिंपल पूरी एरिया को सील कर दो, हर चीज को मार्क कर दो। मैं देखता हूं किस कैमरे में क्या है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है अनिल इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, वो भी मेरी बेटी के साथ। सर यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो अचानक इतना पतला कैसे गया? सर, सर उसे जरूर उस दूसरे आदमी ने बहकाया होगा। वो था कौन जिसके हाथ में वो टैटू था? मैंने उसकी एक झलक पहले भी देखी थी स्पेशल वार्ड में। कौन था हमें कैसे पता लगेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसका पता लगाने की। हर पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर भेज दी गई है। मुझे यकीन है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है अब मैं चलता हूं। अंजलि को भी उसके रूम में जाना चाहिए क्योंकि उसे आराम की जरूरत है। अंजलि चल। एक मिनट वरुण। अंजलि को आराम के साथ साथ पुलिस प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। मत भूलो कि वो दूसरा आदमी अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। उसे इस बात की भनक पड़ जाएगी कि अंजलि ने उसके टैटू को देखा है, तो वो अंजलि को खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है लेकिन लेकिन हमें क्या करना चाहिए? फौरन तुम एक काम करो, हॉस्पिटल में सभी आने जाने वालों की अच्छे से छानबीन करो, उन पे नजर रखो, और कोई दूसरा इंतजाम होने तक मैं खुद अंजलि के साथ रहूंगा। अंजलि तुमने उस दूसरे आदमी पे बना टैटू देखा था, क्या उस टैटू के जरिए तुम ये बता सकती हो कि वो आदमी कैसा होगा? मतलब उसका स्वभाव कैसा होगा, आदतें कैसी होगी? टैटू था डेविल का
एक दूसरा टैटू भी था जिसमें जिसमें एक लड़की थी और वो बुरी तरह से आग में जल रही थी। वो आदमी थोड़ा साइकिक होगा, उसे लड़कियों को तड़पता हुआ देखने में मजा आता है। उनके लिए सिर्फ सिर्फ नफरत है उसके दिलो दिमाग में। शायद शायद बचपन में हुए किसी हादसे की वजह से ये सब हुआ हो। गुड, टैटू रीडिंग तो हो गई, अब जरा हैबिट रीडिंग भी हो जाए। अंजलि, तुम्हें क्या लगता है वो जो कोई भी है इस वक्त क्या कर रहा होगा? ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर गेस करना हो तो शायद इस वक्त वो किसी नई लड़की के साथ होगा। उसे जब गुस्सा आता होगा तो उसका चेहरा लाल होता होगा, उसकी आंखों में खून उतरता होगा। ऐसे आदमी को कई बुरी आदतें हो सकती हैं। टेंशन के वक्त सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना, च्युइंगम चबाना या फिर नाखून चबाना। तुम अनिल के साथ ब्रिलियंट, यू टू गुड अंजलि, यू आर अ जीनियस। लेकिन दो गलती हो गई तुमसे। पहली, वो बचपन वाली बात, वो गलत थी। और दूसरी, वो इंसान तुम्हारी आंखों के सामने था और तुम उसे पहचान भी नहीं पाई। सॉरी अंजलि, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। अब तुम्हें अनिल के पास जाना होगा। नहीं, नहीं, नहीं। Leave me, I said, leave me. Leave me, I said, leave me. अंजलि, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अंजलि, मुझसे कोई लड़की बच नहीं सकती। लड़कियों को देखते ही हम पागल हो जाया करते थे, फिर अनिल ने तुमसे शादी कर ली। वो खुश था, लेकिन बस कुछ ही महीने, उसके बाद हमारी नजर नंदिनी पे पड़ी। नंदिनी को देखते ही अनिल तुमसे बोर होने लगा था और हमारे कॉलेज का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हर तीसरे चौथे दिन हमारे साथ कोई नई लड़की होती थी, हमारा शिकार बनती थी। वाह अंजलि वाह, मैंने तो सोचा था इतना कुछ सुनने के बाद तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, मुझे बाहर निकले बाहर आओगी, चीजें यहां वहां फेंकोगी, मगर तुम तो बहुत चालाक निकली। खैर, कोई बात नहीं अंजलि, मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। So there you are. अच्छा हुआ अंजलि कि तुम खुद ब खुद बाहर आ गई, वरना मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ती। आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मार दूंगा।
दूंगा मैं तुम्हें। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, रिलैक्स।